ये वाला जिहड़ा पिंड है यह चार गेटा दे विच किरिया होया सीगा। चार गेट सीगे उस वक्त, एक गेट अज भी खड़ा, बड़ा सोहना लगता गेट, अज भी यह सोहना गेट तुहानू दिखांदे आ। यह गेट जिहड़ा बनिया सीगा यह तकरीबन 125 साल पहले बनाया गया, अज भी शानदार यह गेट खड़ा है। तो आओ यह गेट के बारे जानते हैं, देखते हैं कि इस गेट के अज की है। जो कि पहले चार गेट होंगे सीगे, उन्होंने तीन गेट तो डेडेरी हो गए, पर एक गेट अज भी खड़ा है। वह गेट देखते हैं, आओ वो वाल चलते हैं। वाला गेट है यदा यह अंदरला हिस्सा है, उपर देख लो ये ना जी है सारी पेंटिंग अज भी उ नीले कलर के नाल कीती हुई है। यह अंदर वाला हिस्सा, दूसरा बाहर वाला हिस्सा है, वह भी तुम दिखावे, बड़ा शानदार है। पहले इस चंगी तरह देख लीए तो आज देखो जिदा यह वाली दीवारा ने, दीवारा एदिया बड़िया मजबूत ने, नीचे तो नहीं उपर तो पता लगता है भी यह चूना मिट्टी के नाल बनाई गई है, छोटिया इट्टा लगिया हुई ने उपर। अगे होर देखते हैं अगे की है कि उपर देखो, उपर सैकेंड फ्लोर है, दूसरी मंजिल है यदि उपर भी ये उपर बैठते होंगे सके यह चौकीदार वगैरह। ये उपर चढ़ के देखिए क्योंकि हुण यह ज्यादा खस्ता हालत के बिच है, खंडर तरह एक तरह तब्दील हो चुके हैं। इतों पौड़ियों के उपर चढ़ के जाते थे तो उपर सैकेंड मंजिल तो उपर जो बिल्कुल कॉर्नर से जाते थे तो उत्थे एक आवाज दी जाती सी, जे पिंड नूं मतलब होका दिता जाता सीगा कि इकट्ठे होना है जां कोई दुख सुख का काम है, तो उपर वो चढ़ के तो उपर जगह भी बनी है, वो दस रहे थे पिंड वासी के उपर जगह बनी है जिथे होका दिता जाता सीगा। बहुत जी की नाम अपना? करनैल सिंह। पिंड है लादू का। हाँ जी। तुसी गेट देखे जी? हाँ जी। गेट दे बारे जानकारी दियो, कदों बनया सीगा इह गेट? इह जी उत्ते सन लिखा 1905 दा बनया जी। 1905 दा बनया? हाँ जी। अच्छा, तुसी देखिया होना बचपन दे विच किहो जिहा हैगा सी? बहुत चंगा सी, पहला तो बनया होया जी। हाँ। हुण देखभाल इहदी कोई नहीं करदा जी। अच्छा। देखभाल ना होण करके खस्ता हालत हो ही पई है। किन्ने गेट सीगे पहला पिंड दे विच? चार गेट सी। चार गेट सी। हाँ जी। ते जिन्होंने ये गेट बनवाया वो कौन सी? अस तो सुनने ही आए भी वट्टू है गे सी, फिर वो साढ़े को पासपोर्ट ते भी आए सी। इत्थे तुहाडे घर को? हाँ जी। आए सी? हाँ जी, इत्थे भी आए। अच्छा। इत्थे आके ते हालात खस्ता होई पई सी ते रोण लग गए वेख के। हाँ। तो फिर साढ़े को उन्होंने मकान सी पुराने जी, वो साढ़े को हालात ठीक दे सी, साढ़े को ही रहे सी दो दिन। अच्छा। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਜੈਂਟਸ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟ, ਬੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ? ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆ ਸੌੜੀ ਗਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਦਿ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
सतलुज दरिया आ गया पिंड तो पाकिस्तान इथो किन्नी दूर है इथो तो वेखिए 1.5 किलोमीटर है जी 1.5 किलोमीटर सिर्फ जी शहर केड़ा नेड़े आंदा उन्हें वसीलपुर वसीलपुर अपने जिवे फाजिलका बंगला है बंगला है उधर जलालाबाद आ गया है ना फिरोजपुर जिले का सारा हाँ वसीलपुर लगता है पौड़ियां हो गया एदे नाल एक छोटा गेट एदे च हैगा इस तो अगे ए वाली दीवार बनी हुई है एदे ते छोटिया इट्टां ने ज्यादा छोटिया नहीं है टाइल टाइप नहीं है पर टाइल तो वड्डिया ने ए वाली बाहरला हिस्सा आ गया तो पहले ए वाला दिखा दिए तुहानू तकरीबन यह 4 फुट तो 4.5 फुट के करीब यह बनी हुई है दीवार उपर ना एक गेट लग्या होया सी पहले ओदा उपर ओ वाला सबूत अजे भी खड़ा है ओ वाला जरा तुहानू नजर आ रहा है एदे विच गेट फसा के ते एक दूसरी साइड तो भी इस तरह हैगा यह हुंदा सीगा यह देखो कितना शानदार इट्टा लगिया होईयां ने एदे उपर शायद लकड़ दी ओही छत भी ओही है तो हुण बाहरली साइड ते असीं पहुंच चुके हैं इहदे ते पहले अंदर वाला हिस्सा चंगी तरह देख लो इस नूं क्योंकि 1905 दा बनया होया 1905 काफी वक्त हो गया उपर बार उर्दू दे विच भी लिखिया होया 1905 ओह भी दिखांदे तुहानूं जिथे लिखिया होया तां आपां बाहर वाला इहदा हिस्सा देख लीए ते अज भी इही चौंक तां नहीं कह सकदे तिकोनी टाइप है तां इह इधरों एक गली ए गई इत्थे दूसरी साइड ते बैक दसदे ने लोग के जिन्होंने यह गेट बनवाया सी पिंड वासियां ने उन्होंने कई मकान भी पिछे हैगे ने पिछे जी करके उत्थे नवी उसारी की गई है पिंड दे विच तुसी होर कोई चीज देखी होवे पुरानी जिहड़ी बचपन दे विच जिथे खेडे होवो जिवें इत्थे खेडदे रहे हुणे है ना खेडदे तो रहे हां जी पुरानी होर नहीं चीज सी जी अच्छा हस्पताल एक हैगा सी पुराना जी ਉਹ ਵੀ 1905 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ 1905 ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ 5 ਜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ इधर मस्जिद सी जी मुसलमान ने बनवाई हुई सी अजकल उत्थे गुरुद्वारा साहब का प्रकाश हुंदा तां इहदी चित्रकारी देखदे आ इह वाली देखो किन्नी शानदार हैगी है इहदे उपर उपर चलदे जाइए तां उह उपर भी होर चित्रकारी देखो किन्नी खूबसूरत बनाई सी उस वक्त अजकल दे मिस्त्री शायद मुश्किल हैगी आ उहनां नूं क्योंकि बरीकी दे नाल काम कीता गया इहदा बहुत ज्यादा बरीकी दे नाल चित्रकारी सारी देखो किन्नी खूबसूरत उन्होंने बनाई सी उस वक्त मिस्त्रियों ने एदे ते किन्ना टाइम लगाया होना एक उस वक्त कोई एक गेट नहीं सीगा चार हैगे सी गेट उपर भी चित्र शायद ओ लिखिया 1900.0 नजर आ रही है दूसरा अखर पूरी तरह नजर नहीं आ रहा कुछ हरफ भी लिखे गए हैं उर्दू लैंग्वेज दे विच है उपर वल देखो उपर जिहड़ी ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਾਦੂ ਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਦੂ ਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਦੂਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ जाइए तो अगे जलालाबाद शहर आ जाता यह जिहड़ा पिंड है लादू का तो ये जिहड़ा इस जिन्होंने आबाद किया हिस्टरी भी तुहानू दसदे आ उहदी की है बड़ी खूबसूरत हिस्टरी है उन्होंने लद्दू खान वट्टू सीगे उन्होंने आबाद किया पिंड ते नां रख्या सी लद्दू का
हौली हौली लादूका पै गया। उन्होंने पीढ़ी के बिचों से सरदार वली मुहम्मद जैलदार सके और फैसले बा कमाल करते बड़े वधिया करते। उन्होंने फरजंद सके सरदार मुहम्मद अमीन ते सरदार मुहम्मद नवाज। चंगे खिडारी से वह फाजिलका दे विच स्कूल है ना बॉय स्कूल उहदे च खेडे सीगे वह। तो उस वक्त उन्होंने मुहम्मद सरवर बोदला ने इनाम दिता सी बहुत खूबसूरत। हुण गल डिस्ट्रीब्यूटरी की कर ली लादूका डिस्ट्रीब्यूटरी तो 1937 दे विच पंजाब असैम्बली च बजट पास होया सी 22,325 रुपए का। उहदे विचों बनाई गई सी इह डिस्ट्रीब्यूटरी ते दो इमारतां ते रोड ब्रिज। हुण मंडी की गल दस दिया जिहड़ी लादूका कच्ची मंडी बनी सी पहले 3 मई 1941 नूं बनी सी उह मंडी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।